अच्छा मम्मी, और एक दो सवाल है। वो जो बर्थडे का वीडियो है उसमें तुम ऐसे टीवी खोल रही हो और फोन पे, तो वो शो ऑफ कर रही हो? सच में शो ऑफ कर रही हो? मैंने मम्मी को आईफोन 10s मैक्स दिया है। मुझे लग रहा था कि मम्मी को जो 8 प्लस है वो उससे इसको मतलब अपग्रेड करना है। ये मैंने मम्मी के लिए LSA लिया था, वो तो ज्यादा ही पसंद है। मम्मी बोलती है नहीं, जो 6s है, जो ये मेरा 6s है, देखो मेरा कवर भी है, कवर निकाल के पिंक नहीं है, रोज गोल्ड जो मैं लद्दाख लेके गया था, मम्मी को ये वाले से फाइनली अपग्रेड करना है 10s मैक्स पे। मुझे लग रहा था मम्मी को इससे इसमें अपग्रेड करना है। वो इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मम्मी का मेन फोन है, ये मेन फोन है ना, ये मेन फोन है तो ये डालो ना। अरे इसमें 2 सिम कार्ड आते हैं। मम्मी लोग को कोई नहीं समझा सकता। ये लो मम्मी, अनलॉक करो। कैसे करोगी? मतलब? दबाओ, स्वाइप अप, हो गया। नो टेंशन, मजा नहीं लाइफ, होम बटन का टेंशन नहीं। 11:30 मुझे लग नहीं रहा तू 11:30 बजे पहुंचेगा, बिकॉज तेरा जो लोकेशन बता रहा है। तो शोभित जो है धुले क्रॉस करने वाला है, धुले 350 किलोमीटर दूर है राइट नाउ, 8:00 इन द नाइट, मतलब उसको इगतपुरी पहुंचना पड़ेगा 2.5 घंटे में। दैट मींस यू हैव टू मेंटेन 100 किलोमीटर पर आवर टू रीच इगतपुरी, क्योंकि इगतपुरी टू पवई है 100 किलोमीटर, जो कि होता है 1.5 घंटे में, क्योंकि ट्रक ट्रैफिक रहता है। तो कितना भी तेज चला लो आपको 1.5 घंटा मिनिमम तो लगेगा ही लगेगा, कुछ भी कर लो। या तो शोभित लेट होगा या तो डॉट 12 बजे पहुंचेगा। लेट्स सी, MG लेके आ रहा है। एकदम एस वेंचुरा का जिम करी लग रहा हूँ, बनने गया था जॉनी ब्रावो, बन गया एस वेंचुरा। डोंट वरी, थोड़ी देर में एकदम सिम्बा भी बन जाऊंगा, बाल चपट जाएंगे। क्यों बोल जाती है हमारे पास कैमरा है? यू नो आई हैव अ CCTV कैमरा राइट? ओहो, हवा में उड़ेंगे क्या? नहीं उड़ते, टेम्पटिंग लग रहा। मुझे बहुत सारे केक काटने हैं। कल एक केक आया था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था, ट्विटर नाम वाम नहीं, बस केक। ऐसा वॉचमैन देखे गया, वसीम को एक केक खाने का बड़ा मन कर रहा था, वसीम बोलता है अभी काट दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। वसीम की आसना बुझ गई, आसना मतलब भूख, वासना सुना। देखा ये गंदी सोच वाले गंदी रहते हैं। ये तोहफा हमने खुद को अपने जन्मदिन पे दिया है, और वो तोहफा है ये माइक होल्डर। मतलब अपने पास ये बहुत ही अच्छा माइक है, और ये माइक को भी अपन यूज कर सकते हैं कभी कुछ भी, ना जो मैं बैठ के व्लॉग करता हूँ या फिर पॉडकास्ट जो आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। बहुत ही सस्ता 350 रुपये का है। तो कुछ इस तरह सेटअप किया है मैंने यहाँ पर अटका के, और यहाँ पर मेरा दूसरा रोड वीडियो माइक प्रो प्लस लगा हुआ है विद द लंबा 3.5 mm वायर, जो कि मैं इसमें लगाऊंगा, ताकि जब यहाँ पर बैठ के मैं बात करूँ या कहीं पर बैठ के बात करूँ यार, हम लोग दूसरा पॉडकास्ट करें, तो आपको एकदम क्रिस्प और बेसी आवाज सुनाई दे। दिस इज विद माय नॉर्मल सेटअप, आवाज काफी अच्छी होगी, लेकिन अभी भी विद द तेरा 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 सुरूर जो माइक इधर है, आवाज बहुत ही क्रिस्प और बेसी आ रही होगी। बस इतना ही करना था, अभी खाना ऑर्डर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसमें क्या फर्क है निखिल, सेम तो माइक है। देख अभी अगर आप लोगों ने मोबाइल में देखा, विदाउट हेडफोन देखा तो आप लोगों को नहीं समझेगा, अगर आपने विद हेडफोन देखा तो आपको डिफरेंस समझेगा। मानता हूँ माइक सेम है, लेकिन ये मेरे से कुछ 30 सेंटीमीटर दूर था और ये मुझसे कुछ 1.5 फीट दूर था। नजदीक होने से देखो बेस बढ़ जाता है, अभी मैं नजदीक से बात कर रहा हूँ कितना अच्छा बेस हो गया, अभी दूर गया तो बेस कम हो जाएगा। ये ट्रॉली क्यों लेके आए, खोलूं? ए निकल, नहीं यार मेरे कपड़े, तेरे को क्या करना, यू लाइक टू ओपन अ गर्ल सूटकेस। देख मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ, तो दुनिया में नहीं तब से मैं दुनिया में हूँ, और मैंने बहुत दुनिया देखी। मेरे को पता है अंकल, That was my 5th birthday इस वीडियो। लेकिन और एक वीडियो मुझे अभी जस्ट मिला, वो है मेरा 3rd birthday का वीडियो। हैप्पी बर्थडे 3rd birthday। और ये फ्लिकर इसलिए हो रहा है बिकॉज कसेट से इसको वीडियो फाइल में बनाया गया, तो इसलिए इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरी बिल्डिंग पहले ऐसी दिखती थी, और ये वाला जो फर्स्ट फ्लोर का घर है ये पहले मेरा घर था। इट वॉज 1 room kitchen एंड बड़ी दीवार बिल्कुल भी नहीं थी, इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम। और अगर आप देखोगे अभी कैमरा यहाँ पैन होगा तो लिखा हुआ है कुंडलिनी, एंड जब थोड़ा आगे और आएगा दिस इज द गेट, और अंदर कोई भी गाड़ी नहीं है, बिकॉज उस वक्त किसके पास गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरे डैड के पास थी प्रीमियर पद्मिनी आई थिंक, आई डोंट नो, इट वाज अ कार माय फादर हैड दैट टाइम, माय मदर, माय सिस्टर एंड माय डैडी। तो ऐसे बहुत सारे कैसेट्स हैं मेरे पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कैसेट में बहुत कचरा लगा हुआ है तो वो क्लियर नहीं हो रही। अगर आप में से किसी को पता है कि उस कैसेट्स को मैं ऐसे वीडियो फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मिल करके बता सकते हो, बहुत हेल्प हो जाएगी। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को पूछा, सब लोग बोलते हैं अगर कचरा लगा है तो अभी वो क्लियर नहीं हो सकता। लेट्स सी। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू MNFM। 12 बजने के लिए 40 मिनट अभी बाकी है। क्या कर रही है? आई वाज जस्ट रिहर्सिंग। एनीवेज मैं जाके आता हूं। ठीक है, जो प्लान करने करो। जाओ, मैं आज अपना केक मम्मी के हाथ काटूंगा। हम लोग बैठे हैं, कॉफी पियेंगे और क्या। मैंने पिछले काफी सालों से 12 बजे एग्जैक्टली मम्मी के हाथ केक नहीं काटा है,
इस बार डिसाइड किया कि बॉस जो भी यहाँ पर पहुँचो मम्मी के आशीर्वाद से पहुँचाऊँ, तो आज 12 बजे केक मम्मी के साथ काटूंगा। हाँ मम्मी, है कि नहीं, सही किया ना? आज तो मेरे ही साथ काटेगा केक। मैंने मम्मी को बोला वहाँ पर, मम्मी बोलती मैं क्या हूँ तुम्हारे बच्चों के बीच, फिर तुम वो अपने जोक्स क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक से ब्लॉग नहीं कर पाएगा ना, तुम नहीं आती तो मैं आऊंगा, फाड़े में गए सब लोग। मैं अपना वो अपना बर्थडे का वीडियो सबको दिखा रहा था, सब कमेंट कर रहे थे आप, सभी बोल रहे थे मम्मी का मुंह क्यों छुपाता है, वो फोटो में तो दिखता है, वो फोटो में दिखाया है, वीडियो में दिखाया है। मैं बोला अभी नहीं दिखेगा, मम्मी ने बोला है तेरे कैमरे के सामने अभी नहीं आना है, भले तू कोई भी फोटो में दिखा। ये देखो भाई शैडो में भी देख लो इधर। अजीब ही लगता है अपने बेटे का नाम निखिल शर्मा लिखते हुए, लाइक निखिल निखू ऐसे सब लिखते, निखिल शर्मा पूरा लगता। अच्छा मम्मी और एक दो सवाल है, वो जो बर्थडे का वीडियो है उसमें तुम ऐसा टीवी खोल रही हो और फोन पे, तो वो शो ऑफ कर रही हो, सच में शो ऑफ कर रही हो? सच्ची शो ऑफ कर रही। डैडी को इतना गुस्सा आया, डैडी बोले शो ऑफ करने की आदत अभी गई नहीं है। मैं भी कभी कभी शो ऑफ करता हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन शो ऑफ का नहीं रहता है, मेरा इंटेंशन रहता है कि देखो बस ये चीज़ है। कुछ भी करो तो करो, मैं क्या करूँ फिर, तो ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, पर्दे डाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, क्या करूँ फिर? इतने पैसे दिए भाई, वो टाइम वीडियो बनाना आसान थोड़ी था, तो अगर पैसे दिए वीडियोग्राफर को तो भाई ये मेरा टीवी देखो, ये मेरा फोन देखो। फोन तो बहुत है मेरे पास में। अरे ये आईफोन, सबको मालूम है आईफोन है मम्मी, ये और ये सारे फोन मेरे कहाँ लेके जा रहा है? टेक्निकल गुरुजी की माँ के पास भी इतने फोन नहीं रहेंगे मम्मी। कितना बर्थडे मम्मी? सेकंड दो साल कहाँ? अंधेरी। अंधेरी में पहले हमारा घर अंधेरी में था, हंजन नगर में, तो वहाँ पर दो बर्थडे बनाया, तीसरा बर्थडे पवे से बनाना शुरू किया। ये फर्स्ट बर्थडे का ही है। अच्छा फर्स्ट बर्थडे का भी है? हाँ ये फर्स्ट बर्थडे। ये तो बंद है, तो अभी क्या सीन, कैसे आएगा? पाँच घंटे कसारा से? कसारा इज 90 किलोमीटर, कसारा से बॉम्बे 1 घंटा लगता है, तो मतलब लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ रहेगा, तो तू मतलब तू मूव भी नहीं कर रहा है? क्या टाइमिंग यार, मैं देखो बोल रहा थोड़ा जल्दी निकल, जल्दी निकल, लास्ट मोड पे मत रख। ये बता रहे हैं कि शाम पे खड़े हुए हैं, 8-8 बजे वाले लोग हैं, वही बता दिया था मेरे को जब मैं निकला ना। मेरी मम्मी ने एक्चुअली मुझे थैली में डाल के बोला था कि ये टी शर्ट पहन के आना, और मैं भूल गया था अभी। थैंक यू वसीम, अभी ये पहनूंगा। बोलती केक मत कटना अगर टी शर्ट नहीं पहना है तो। मैंने ठीक है पहनता हूँ। और वसीम ने मेरी चप्पल फाड़ दी। नहीं फाड़ी नहीं, फटी हुई थी, दूसरी वाली भी टूट गई। ये लो पहन ली, खुश? बहुत अच्छी टी शर्ट है। अच्छा वजन गिर गया, थोड़ा टाइट है, हल्की सी राइड को यहाँ से। चलो है। आप लोग की ताली मारो उधर से। ताली मारो। अब ये फोन बजना शुरू हो गए हैं, लोगों को इतना नहीं कि अगर मैं चलो माँ के साथ केक काट रहा हूँ तो डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। रेडी? रेडी। हैप्पी बर्थडे। और एकदम जाड़ा सा केक काटा मैंने, अरे दीवार गिर गई। तू हाथ लगा रहा है। चॉकलेट की दीवार गिर गई। चल ये लो मम्मी खाओ। केक मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। मम्मी का फेवरेट केक है। चलो मुझे खिलाओ। अकेले भी बना लिया बर्थडे। अच्छा अकेले क्या? तुम और मैं और लाखों लोग अकेले थोड़ी बनाया। अकेले तो क्या मम्मी यार। हाँ भाजी, एक्चुअली बहुत पहले ऐसा था कि जब मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था तब मैं गुस्से में रहता था, स्ट्रेस में रहता था, तो मैं बर्थडे ऑफकोर्स नहीं मनाया था, छोटे मोटे केक काटे थे। तो मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी एक टाइम आएगा कि होएगा, अच्छा टाइम आएगा और तब अपन अच्छे से मनाएंगे। अपना टाइम आ गया। अपना टाइम तो और आएगा मम्मी, अभी तो शुरुआत है। अपनी माओ को ये वीडियो दिखाओ और बोलो कि अगर आप कुछ लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो शांत मम्मी शांत, आइडिया है, होगा सक्सेसफुल, शांत थोड़ा टाइम दे दो। सही है, सही बात है। बाय मम्मी। बाय बाय। खोलो। ओहो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे निखिल सेठ। हैप्पी बर्थडे टू यू। चल तुम्हारे लिए बनवाए। लास्ट ईयर जिशान ने एक पीस भी नहीं खाया था, आज बनाने के चक्कर में क्या उखाड़ा सेठ, क्या उखाड़ा सेठ, सिक्स पैक लेके क्या उखाड़ा सेठ। अभी आई हैव बेटर स्टमक देन जिशान। भाई गिरना नहीं, आज चिचा खाएंगे केक। आज मैं मन से एकदम दिल से निखिल का केक खाने वाला। और ये आप लोगों के नाम, थैंक यू सो वेरी मच।
ये क्या है? This day is one of my favorite, you know, because it gives this. तो ये ज़िशान का gift है. Gift है भाई. Oh, भाई साहब, look at this. Nike Air Max. पहन के देखो ना भाई. पहनेंगे ना भाई? अभी पहनेंगे ना. अभी बारी आती है शानिस के gift की. देखते हैं शानिस ने क्या लिया. मैं खोलता हूँ. बंद है राइड देखना तो ये क्या? These are two body washes. I wanted to use them. आजकल करते टाइम निखिल नहाता नहीं है ना इतना actually इसलिए. आप देख रहे हैं. Wow. It's a bomber jacket. ये पहनने का, sunglasses पहनने का, दम भारी बन जाने का. अभी तो मुझे लग रहा है यार ये जैकेट पहनने के लिए मुझे कोई यूरोपियन कंट्री जाना पड़ेगा. जाएंगे. अभी तो मैं एकदम लग रहा हूँ रैपर हूँ नहीं लेकिन लग रहा हूँ रैपर. ब्लॉगिंग का कल्चर इंडिया में लाया सबको कैमरा पकड़ना सिखाया. तीसरा तो मैं यूट्यूब पे अपना तीसरा बर्थडे मना रहा हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है. क्या बोलते हैं सर? बस भारी जा रहे हम लोग. हम लोग बस भारी निकल रहे थे और सर जी अभी आए सर 12:30 बोल के. डेढ़ बजे आए तो किधर बैंड रहा सरदार जी? ऑलराइट. ओहो वंडरफुल कार है ना. ये देखो सर जिंदगी में हम जीते हैं. अगर कोई 10-15 करोड़ हमको भी दे मूवी का तो हम भी बना ले. सर आप बनाओगे 50 करोड़ के लिए? नहीं आप बनाओगे 50 करोड़ के लिए? नो कमेंट्स. बैंड्रा खार सरदार जी. सरदार जी रेस्टोरेंट है इन साहब का. थैंक यू सो वेरी मच. वेलकम सर. एकदम प्राइवेट वाली फीलिंग आ रही है अपने को. मैंने फाइनली अपनी मॉम को इतना खुश देखा मेरे डैड के जाने के बाद. तो मेरा तो दिन बन गया बॉस. और शोभित नहीं आ पाया बिकॉज शोभित फंस गया था तो वो होटल लेके सो गया. अभी वो निकला है. अभी ट्रैफिक खुली है तो होपफुली थोड़ी देर में आ जाएगा वो. रात बहुत लंबी हो गई. बहुत लेट उठा. अभी फटाक से रेडी होना है और 6-7 बजे मेरा वापस वो अपॉइंटमेंट है साइन में. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. मैं एक्चुअली आज का जो दिन डॉक्टर के पास जाएगा वो भी डालना था बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि वो वापस ऐड करूँ मैं बर्थडे में. आप लोग भी वेट करोगे इस व्लॉग का तो फटाक से इस व्लॉग को डालता हूँ. सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन माई कंटेंट इन माई लाइफ. With that said, thank you very much for watching this video. As always, shukran, alvida, ma salama, take care and do whatever you want, my lovely friends. क्या मुझे बोलने की ज़रूरत है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो बिकॉज आप लोग करोगे. मिलते हैं कल होपफुली. शब खैर. बाय बाय. आपको पता है आप अपने मन को खुश और ऐप्स को गायब कैसे कर सकते हो? इस चीज़ से. क्या है ये? बटर चिकन स्लाइडर. सो ये बटर चिकन है एक तंदूरी रोटी के अंदर. ऋषान तेरे ऐप्स होते हैं ना दो मिनट में गायब करता है डाल. पहले मैं ऐसा था, मैं ऐसा लेकिन मुझे ऐसा ही रहना है तो मैं नहीं खाऊंगा.